हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय डियर। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिसोमी मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप सबकी एक क्वेरी आ रही थी कि सर, मैंने स्टैट प्रो सीख रखा है, मैंने ईटैप सीख रखा है, वीडियो कोर्स ले रखे हैं, कई जगहों पर अप्लाई कर रहे हैं, बट कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहे, जॉब ही नहीं, जॉब के लिए कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी को भी आज के टाइम में इतनी फुर्सत नहीं कि हमें टीच कर सके कि भाई ऐसे ऐसे करना और ऐसे ऐसे करो। मतलब कि फ्रेशर लेवल की ट्रेनिंग अब कोई नहीं देता। हर कोई चाहता है कि वो बंदा ऐसा हो जो 2 से 4 प्रोजेक्ट करके मेरे पास आया हो। मतलब अगर मैं कंपनी के बॉस हूं तो मैं चाहूंगा अगर तुम मेरे पास जॉब के लिए आ रहे हो तो 2-4 प्रोजेक्ट करके आओ, एटलीस्ट मुझे देखने के बाद ये हो जाए कि नहीं यार, थोड़ा बहुत इसको इधर उधर करेंगे। बाकी बंदा कुछ इस तरीके से है जैसे कि वो होता है ना चौक, जिससे कि वो कुल्हड़ बनाते हैं। कुल्हड़ बनाते टाइम क्या होता है कि लगभग लगभग वो क्लियर हो जाती है, मिट्टी अपने आप सेप ले लेती है, उसके बाद कुल्हड़ थोड़ा सा हाफ लगा देता है और सेप आ जाता है। तो बस इतना कंपनी कर सकती है, आज के टाइम में टीच नहीं कर सकती है। तो आज आपको ऐसा ही कुछ बताने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग बहुत अच्छे से एक प्रेजेंटेशन टाइप का पोर्टफोलियो तैयार कर ले। ठीक है, पोर्टफोलियो जितना बड़ा बनाओगे, मेरे पास एक स्टूडेंट का है तो छोटा ही है, बट जितना आप बड़ा बनाओगे उतना बेटर होगा। उस पोर्टफोलियो से बेनिफिट क्या होगा? उस पोर्टफोलियो से बेनिफिट यह होगा कि मैं आपको नहीं जानता और मैं आपकी सीवी से उतना जज नहीं कर पा रहा हूं जितना आपके पास नॉलेज है। सपोज मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो जॉब सर्च कर रहा है और मैं कह रहा हूं कि यार मुझे ना स्टैट प्रो बहुत अच्छे से आता है और मैंने अपने सीवी में लिख रखा है स्टैट प्रो। एक बगल में मेरे साथ और मेरा एक दोस्त है, उसने स्टैट प्रो का सिर्फ सर्टिफिकेट लिया था। कई बच्चे करते हैं ना सर्टिफिकेट केवल, ठीक है, तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम करके उसने सर्टिफिकेट लिख के अपने सीवी लिख दिया स्टैट प्रो। अब अगर सॉल्ट लिस्टिंग का केस आता है तो अगर कोई बॉस है तो यही देखेगा ना कि आकाश को भी स्टैट प्रो आता है और आकाश के फ्रेंड जो है उनको भी स्टैट प्रो आता है, किसको सॉल्ट लिस्ट करे? हो सकता है वो लकी ड्रॉ निकल जाएगा, कभी मेरा कभी उसका, राइट। बट अगर मैं उसी स्टैट प्रो के साथ एक अच्छा सा प्रोजेक्ट, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के सबमिट कर दूंगा, फिर आपको क्या लगेगा? आपको, अगर आप कंपनी के बॉस हो तो आपको लगेगा यार ये पड़ोसी जो है अच्छा नहीं कर पाया और मैं ज्यादा अच्छा कर पाया, राइट। तो डेफिनेटली आप मेरी सीवी को शॉर्टलिस्ट कर लोगे और उसकी सीवी को नमस्ते बोल दोगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से पोर्टफोलियो तैयार करते हैं और उसको प्रॉपर प्रोसेस क्या है उसको बनाने का। वो तो लास्ट टाइम मैंने बताया था, अगर आपने BIM का कैसे बनाते हैं वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना, क्योंकि स्टेप में अभी फिर से रिपीट करना कोई मतलब नहीं है। मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाला वीडियो है, जाके देख लो। और जस्ट कंप्लीट कैसे करना उसका सैंपल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ऐप में जितने बच्चे हैं उनको भी मेल कर दे रहा हूँ। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटोकैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए, थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट। तो पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ये नॉर्मल एक पोर्टफोलियो का सैंपल है, मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस पोर्टफोलियो में देखिए आपके पास स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए आप दे दीजिए कि आपको कौन सा कोड आता है, XYZ जो भी कोड आता होगा। और उसके बाद आप ये, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे पोर्टफोलियो भेजा था तो मेरे को लगा अच्छा है, इसको हम शेयर कर सकते हैं। तो और इसके साथ अब यहाँ पर अपना बिल्डिंग का फोटोग्राफी वगैरह कर दीजिए। लास्ट टाइम मैंने पूरा बताया था कि वर्ड पे या फिर पावर पॉइंट पे कैसे बनाना है, अगर नहीं पता तो जाके पहले उसको देख लेना। फिर आपका जो भी प्लान आपने किया हो प्रैक्टिस में, जैसे कि मेरे सारे स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट तो सबमिट सबको करना पड़ता है जितने भी लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग वगैरह लिया, नहीं तो मैं सर्टिफिकेट ही नहीं देता। तो मजे करो, एक ने अभी 2 कर दिया है। तो आपने जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर किया हुआ, ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद आपने प्लान बना लिया, प्लान को करने के बाद अब यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ मिलता है लेआउट। लेआउट भी आपने बनाया होगा अपने प्रोजेक्ट में, जब स्टैट प्रो सीखा होगा तो। यहाँ पर फुटिंग की ड्राइंग आपने सीखा होगा, बिल्कुल। तो देखो ये फुटिंग की ड्राइंग और अपना लेआउट ड्रॉ कर दो, जो भी आपके स्टैंडर्ड साइजेस हैं वो सब एक्सप्लेन कर दो यहाँ पर। और यहाँ पर जाने के बाद ये आपके पास कॉलम, प्लिंथ, फ्लोर सबका यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कि क्या कितना कितना है। और ये देखो कलर का चूजन थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है, बट कलर इनको और अच्छा रखना चाहिए जिससे कि विजिबिलिटी उसकी ज़्यादा अच्छा हो, जैसे ब्लैक कलर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से लेआउट और लेआउट ऑफ प्लान वगैरह जो भी है सब एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। इसके बाद आप अपना दिखा दो
कि हमारा जो कॉलम है उसका सेक्शन कैसा दिखेगा, इस तरीके से आपको प्रॉपर कॉलम दिखा दो कि भाई इतने फ्लोर का कॉलम है, इतना हाइट रहेगी इसका, ये है आरसीडीसी से सब निकल के आ जाता है। तो ये आपको कंप्लीट यहाँ पर कहाँ पर लैपिंग आप प्रोवाइड करने वाले हो वो सब कुछ आप दिखाओ, और यहाँ पर कुछ करेक्शन है तो यहाँ पर आप यहाँ पर होता है ये सब आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसके बाद आपको यहाँ पर आके देखिए यहाँ पर कुछ बीम्स के सेक्शन यहाँ पर दिए हुए, कॉलम का डिटेल्स है पूरा का पूरा, कॉलम्स आरसी डिटेलिंग्स यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पर कंप्लीट रूफ बीम का डिटेल दे सकते हैं, जो रूफ़ की है, जो प्लिंथ की बीम है उसका डिटेल दे सकते हैं कि भाई कैसे कैसे बीम्स हमने दिया हुआ है। आप अपना स्लैब का बीम का, ये देखिए बीम का पूरा दिखा दिया है यहाँ पर, ये डिटेल दे दीजिए, और ये जो फ्लोर्स हैं उनके लिए है। और उसके बाद आप अपने यहाँ पर टेम्परेरी जो प्रॉप वगैरह लगा रहे हो, कॉलम बार लगा रहे हो, ठीक है, टाइल्स लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, जितना डिटेल में जा सकते हो उस प्रोजेक्ट के डिटेल में चले जाओ। और उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेयरकेस का दिखा दो डिटेलिंग्स, ये भी आरसीडीसी से या फिर एक्सेल से कर सकते हो आप। उसके बाद आप बता दो कि कौन कौन सा कोड आपने यूज़ किया है इसके लिए, वो सारे कोड्स आप यहाँ पर दिखा सकते हो। अगर आपने एक्सेल शीट से भी डिज़ाइन किया है तो भी मेंशन कर दो कि बाय एक्सेल शीट ऑल्सो। इस तरीके से आप अपना कंप्लीट डिटेल्स बता सकते हो एक प्रोजेक्ट का। ऐसे ही मैं आपसे चाहूँगा कम से कम 5 प्रोजेक्ट सबमिट करिए, ऐसे ही बनाइए और बना के उसको शेयर करिए। यहाँ पर देखिए अप्रूवल ड्राइंग्स है, क्या क्या आपको मतलब ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब क्या क्या आपको आता है, BBS आता है, BOQ निकालना आता है, 3D ड्राइंग बनाना आता है, अप्रूवल ड्राइंग्स कैसे बनानी है, जो भी चीज़ें आपको आती हैं सब एक्सप्लेन कर दो लास्ट में, और नीचे आप थैंक यू लिख सकते हो या फिर आई गिव माई बेस्ट, जो भी आपको एक लगे वो कर दीजिए ग्रीटिंग्स के तौर पे, जिससे आपको वो याद रखें। और अपना हो सके तो यहाँ पर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जरूर सबमिट करिए, उससे उसको पता चलता है अच्छा ठीक है ये बंदा है, चलो कॉल करके देखते हैं कैसा है, ठीक है। तो ये इजी वे है। और हो सके तो यहाँ पर लिंक्डइन की प्रोफाइल, लास्ट टाइम मैंने बताया था लिंक्डइन की प्रोफाइल, फेसबुक की प्रोफाइल है, जो भी आपको लगता है जहाँ पर मैंने प्रॉपर कुछ पोस्टर्स वगैरह डाले हुए हैं, पोस्ट वगैरह डाला हुआ है, वो उसका लिंक दे दो तो आराम से जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। फेसबुक मत देना यार, फेसबुक प्रोफेशनल नहीं रहता, बट लिंक्डइन दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से स्ट्रक्चर का पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। और जिस तरीके से हम लोगों BIM का बनाया था उसी तरीके से ये भी है, इसमें एक ही प्रोजेक्ट है, बट अगर ये 5 से 7 प्रोजेक्ट होते तो और बेहतरीन बनता, ठीक है। तो आप कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट, चौथा प्रोजेक्ट, 5 प्रोजेक्ट बनाइए और आप इसको फुल्ली किसी को भी सबमिट करेंगे, रिस्पॉन्स आना 110% फिक्स है। क्यों? हर कोई चाहता है कि इस तरीके से आप प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लान बना सको, उसका उसका लेआउट वगैरह ड्रॉ कर सको, उसका जो भी वहाँ पर कॉलम बीम का सेक्शन एलिवेशन है वो ड्रॉ कर सको, कौन नहीं चाहेगा। और ये फ्रेशर्स को अगर इतनी चीज़ें आ रही हैं, बहुत आसान है, मेरे सारे स्टूडेंट बना सकते हैं ये पक्का है, तो इसको आप बना सकोगे तो कौन तुमको जॉब के लिए मना करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर अप्लाई विथ रिज्यूम एंड पोर्टफोलियो बोथ। चलिए जी, तो होप आपको समझ में आएगा, लिंक यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लो और रख दे दे रहा लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लो और अपना बना लो इसी तरीके से। एक और होप आपको समझ में आया होगा, ये एक प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो है, आप चाहो तो 5 से 7 मैक्सिमम 10 प्रोजेक्ट तक सबमिट कर सकते हो अगर आपने बेहतरीन किया है तो। प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करना है मैं अपने हर एक वीडियो कोर्स में बताता हूँ, इवन मैं यूट्यूब पे बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करना है, उस तरीके से देख के उसका जो मेन मेन डाटा है जैसा यहाँ पर आपने देखा पोर्टफोलियो में, इनको क्रिएट कर लो, और क्रिएट करने के बाद आप आराम से कहीं पर भी अप्लाई करोगे 110%। साथ में देखो क्या होता है कि कई लोग वहां पर भेजे रहेंगे अपनी अपनी सीवी, ये मेरी सीवी, ये मेरी सीवी, बट उसमें से कुछ ही लोग होंगे जिनके पास स्ट्रक्चर का पोर्टफोलियो होगा। तो यार सीधी सीधी बात है, जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा है हम उसको सर्च करेंगे ना, क्योंकि नॉर्मल तो सबके पास है, तो कुछ एक्स्ट्रा आपकी पोर्टफोलियो हो सकती है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, है तो अपने मित्रों के साथ साझा करके थोड़ा हमें भी अप्रिशिएट। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक्स सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक्स सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट।